फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ये ट्वेल्व कलर लहंगा आज मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने कटिंग किया था, अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मैंने कटिंग किया था इसको इस तरह से बराबर मिला के लेना है। ये फ्रंट पार्ट है, बैक और फ्रंट दोनों एक ही तरह लेना है। फिर जितना ये कटिंग है उसी हिसाब से कटिंग के हिसाब से यहाँ पर सिलाई देना है। देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से लेना है बीच में, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे हाफ पीस रख के सिलाई देना है। नीचे की तरफ से सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से पूरा सिलाई मैं लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं मोहर से सिलाई किया। सबसे पहले आपको मोहर से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। कमर पे अगर थोड़ा फैब्रिक इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ आपको बराबर रहना है। सेम तरीके से जितना बुक कर लिया है पूरा सिलाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे सिलाई हो गया है, फ्रंट और बैक दोनों मैंने एक साथ सिलाई कर लिया। सिर्फ यहाँ पे एक साइड पे मैंने ओपन रखा, बाकी जितना है पूरा सिलाई कर लिया। यहाँ पे देखिए एक साइड पे सिर्फ ओपन है, पूरा घुमा के मैंने सिलाई लगा लिया। अभी यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको मुहरी सिलना है। उसके पहले कमर पर देखिए जहाँ पर थोड़ा सा ओपन रहेगा उस तरफ से हमें यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। दोनों साइड पर सेम तरीके से सिल लेना है। कमर के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी काट किया, सीधी पट्टी। इसका चौड़ाई देखिए मैंने 4 इंच लिया, मैंने हाफ इंच चौड़ाई यहाँ पे कम लिया, क्योंकि जो लहंगा मैंने काट किया था पेपर पे सही काटा था, लेकिन फैब्रिक पे मेरा हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, जिसके कारण मैंने यहाँ पे हाफ इंच कम कर लिया। और इसको देखिए अंदर की तरफ से हमें सिलना है। इस तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, फिर बराबर तरीके से उसको सीधा सिल लेना है। कमर पट्टी फोल्ड होने के बाद ये जब फोल्ड करके सिलाई करेंगे उस टाइम पे ये 2 इंच रहना था, लेकिन अभी यहाँ पे 1.5 इंच रहेगा। नीचे का लहंगा थोड़ा लंबा हो गया, जिसके कारण मैंने पट्टी पे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दिया। आपका भी अगर कटिंग करते वक्त इस तरह से होता है तब कमर पट्टी आप थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, उस टाइम पर बराबर लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके सिल लेना है। यहाँ पे दोनों साइड पे सेम तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से मैं और एक सिलाई लगाऊंगी, तब फिनिशिंग अच्छा होता है। अभी देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे मिला के देना। पहले का जो सिलाई है उसी सिलाई के हिसाब से यहाँ बराबर मिला के सिल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कमर पट्टी थोड़ा छोटा हुआ है,
मैंने पहले ही बोला था क्योंकि नीचे का जो लहंगा है कटिंग करते वक्त थोड़ा लंबा हो गया था, जिसके कारण मैं यहाँ पे पट्टी थोड़ा कम कर लिया। अगर आपका नीचे का लहंगा बराबर होता है उस टाइम पे यहाँ पे कमर पट्टी छोटा करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह से पूरा सिलाई हमें कर लेना है। अभी देखिए नीचे का जो मोहरी है इसमें हमें डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए मैंने ये लेस लिया। इसको देखिए अंदर की तरफ से हमें बाहर की तरफ लेके आना है। देखिए सीधी साइड मैंने फैब्रिक के ऊपर रखा और ये जो उल्टा साइड है ऊपर की तरफ है, इसको पूरा घुमा के हमें सिलाई देना है। इसी तरह हमें पूरा सिलाई कर लेना। सिलाई करने के बाद देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर नीचे की तरफ से हमें ऊपर से एक सिलाई देना है। पूरा मैं सीधा ये सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमें पूरा सिलाई कर लेना है। ये देखिए ये सिलाई करने के बाद यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करके सीधा करके सिलाई देना है। देखिए बराबर इसको जहाँ पे मिलता है उसी हिसाब से इसको बराबर मिला के सिल लेना है। खींच के नहीं सिलना है आपको, ये हल्के हाथ से सिलना है तब आपका ये बराबर होगा। आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव रखना है लेकिन सामने की तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर यह आता है उसी हिसाब से हल्के हाथ से बराबर मिला के ये सिलाई कर लीजिएगा। इस तरह से सिलने से आपका बीच में कोई भी प्लेट्स देने का जरूरी नहीं होगा, बराबर इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई। कोई भी चुन नट नहीं है, कोई भी प्लेट्स नहीं है। मैंने बहुत ही हल्के हाथ से सिलाई किया था। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हुआ है, कहीं पे कुछ भी चुन नट नहीं है।
तो जिस तरीके से मैंने इस वीडियो पे दिखाया था आप उसी हिसाब से सिलाई कीजिएगा। आपके नीचे का जो ये पार है बहुत ही खूबसूरत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने वीडियो पे यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरफ देखिए दो तिरछा है, इसको काट कर लेना है। तिरछा क्यों हुआ है, ये जो मैंने काटिंग किया था लहंगा ये थोड़ा सा तिरछा है जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है। इसको सिर्फ काट कर देना है, दोनों साइड पे सेम तरीके से आपको काट कर लेना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मैं कमर पे लगा लूँगी। फोल्ड करके दोनों तरफ से सिल लेना है, बराबर मिला के मैं यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लूँगी। पहले मैंने कमर पे दिया नहीं था लेस, अगर थोड़ा कम होगा जिसके कारण मैंने दिया नहीं था, तो अभी नीचे का घेर सिलने के बाद थोड़ा रह गया है। इसको भी इस तरफ से देखिए कमर पे सिल लेती हूँ फोल्ड करके, तब देखने में और भी अच्छा लगेगा। फिर देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा से सिल लेना है। अभी नीचे का मोहरी देखिए जिस तरफ से ओपन है पूरा, उसको सिल लेना है। यहाँ पे देखिए लगभग 1 इसके आसपास में रखूँगी, फिर सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है। सिलाई हो गया है, मैं अंदर की तरफ से पीको लगा लूँगी बाद में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक को दोनों तरफ इस तरह से फैला देना है, फैला के आपको ऊपर से सिलाई देना है, नहीं तो बाहर से देखने में बहुत ही खराब लगेगा। इस तरह से सिल लेने से बाहर से देखा ही नहीं देगा। देखिए अभी बाहर से थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें सिर्फ हल्का सा आयरन कर लेना है। इसका जो चोली है मैं बाद में काटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। देखिए पूरा कंप्लीट है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काट करना है और सिलाई करना है। कमर पे देखिए मैं इस तरह का डोरी लगा लिया। आप चाहो तो इसमें
जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक दिया, आप इसको चाहो तो लॉटकन भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।